वेलकम टू कैरियर न्यूज एंड सॉल्यूशन यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और न्यू वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जो है आपको यूट्यूब के इस चैनल पे दिया जाता है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट ये है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो जो एक वैकेंसी आने वाली है, जो एडवर्टाइजमेंट आने वाली बिहार सरकार की, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2018 जो कि थर्ड जो होगा तीसरा संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा होगा। इससे पहले दो लिया जा चुका है, एक 2010 में आया था एडवर्टाइजमेंट और दूसरा जो है 2014 में आया था जो कि अभी हाल फिलहाल में जिसका जो है रिजल्ट दे दिया गया, और तीसरा जो आने वाला है विज्ञापन कमिंग सून, इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे हम। ये वीडियो पूरा देखिए, कौन कौन से पोस्ट हैं और कौन कौन से कब आएंगे ये एडवर्टाइजमेंट, इसके लिए पूरा देखिए। विभाग से रिक्त पदों का विवरण भी मिल चुका है और विभागीय पत्र के प्रूफ के साथ आपको हम बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सभी विभाग को भेजा गया पत्र है और इसमें स्पष्ट लिखा है कि उनके पास जो जो विभाग अभी तक नहीं भेजे हैं वो रोस्टर क्लियरेंस करके जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में कौन कौन से पद के कितने भी कौन कौन से पोस्ट के कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो नहीं भेजे हैं, तो वो उनको भेजना है। और देखिए क्या क्या आ गया, आपको पूरा पढ़ के मैं सुनाता हूँ। तो प्रेषक है इसका सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना और सेवा में भेजा गया है सभी विभागीय प्रधान सचिव, सचिव निगरानी विभाग बिहार पटना। तो स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में आयोग का पत्रांक है 1524 और 29/5/2018 को भेजा गया था और फिर से दोबारा भेजा गया, रिमाइंडर लेटर भेजा गया जो कि 16/7/18 को भेजा गया है। और लेकिन इस बार इसमें चेंज ये हुआ है कि अब सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि जो भी भेजा जाएगा किसी भी विभाग के द्वारा तो पहले वो सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेजा जाए और सामान्य प्रशासन विभाग जो है उसको बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजेगा, यानी संवाद जो भी होगा वो सामान्य प्रशासन विभाग के थ्रू होगा। तो इस संबंध में देखिए क्या यहाँ पे डिटेल जो है इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के द्वारा सभी विभागों से स्नातक स्तरीय पदों से संबंधित अधियाचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो अब तक अप्राप्त है। सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक, पहले इसका नाम था सामान्य प्रशासन विभाग का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में सभी विभागों को संवर्ग की समीक्षा का प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करते हुए परिगणित रिक्तियों को का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 31 मार्च तक भेजनी थी, परंतु अब तक कई विभागों से स्नातक स्तरीय पदों के संबंधित अधियाचना आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। विदित हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 14777 दिनांक 21/11/2017 के आलोक में आयोग को भेजी जाने वाली सभी अधियाचना अब सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से संबंधित आयोग को भेजी जाएगी। उक्त आलोक में अनुरोध है कि भव्य स्तर से कार्रवाई करते हुए स्नातक स्तरीय पदों से संबंधित याचना 15 दिनों के भीतर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा यथाशीघ्र का विज्ञापन यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाए। और विश्वास भाजन में देखिए यहाँ पे बिहार SSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव का साइन है। तो 16 तारीख को इन्होंने लेटर भेजा है 16 जुलाई को, और 15 दिन का टाइम दिया गया है सभी विभाग को कि अपना रोस्टर क्लियरेंस करा के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा BRSSC को उपलब्ध कराया जाए। और इस बार जो इसमें कौन कौन से पोस्ट आने वाले हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पोस्ट निकल के BPSC में चल गए हैं इससे रिलेटेड संयुक्त स्नातक स्तरीय वाले पोस्ट थे और कौन कौन से नया पोस्ट इसमें जोड़ा गया है। तो सबसे पहले श्रम परिवर्तन पदाधिकारी जो होता है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसको जो है BPSC में डाल दिया गया है चूँकि अब इसका रिक्रूटमेंट BPSC से होगा। और आरक्षी निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर जो है ये भी जो है अब इससे नहीं होगा, संयुक्त स्नातक स्तरीय से नहीं होगा, इसके लिए अलग आयोग गठित कर दिया गया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, और वहीं से होगा। इसमें नया पोस्ट जो ये दो पोस्ट हटा लिया गया और नया पोस्ट जो इसमें जोड़ा गया वो है इस बार सर्कल इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक का पोस्ट है जो कि इसमें पहली बार जो है इस पर जो रिक्रूटमेंट होगा उसका ओपन तरीके से होगा, नहीं तो प्रमोशनल पोस्ट था लेकिन अब प्रमोशनल एम्प्लॉई नहीं बचे हैं, उनके पास कर्मचारी जो भी हैं वो मैट्रिक पास ही हैं जबकि उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इस बार जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है इसके लिए जो है वो ओपन रिक्रूटमेंट से भर्ती करने के लिए जो है अपना नियम जारी किए हैं और वो BRSSC को भेज रहे हैं। इससे पहले वीडियो में आपको ये हम बताया भी था। उसके बाद जो है इसमें और पोस्ट है सचिवालय सहायक का,
और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का पोस्ट है, और जो सहकारिता पदाधिकारी, योजना सहायक, इससे रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। उसके बाद इस तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का जो एडवर्टाइजमेंट का जो संभावित तिथि है वो अक्टूबर में जारी की जाएगी, क्योंकि अभी जो है अगस्त तक आ जाएगा, उसके बाद सारा चीज करके आयोग जो है अक्टूबर में एडवर्टाइजमेंट इसका जारी कर दिया आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इस तरह से न्यूज़ हो आपको हम तुरंत आपको बता दें। तो ये न्यूज़ था, मैंने आपको बता दिया फ्रेंड, थैंक यू।